तो बरेली के बाद मुरादाबाद में भूख से मौत का मामला सामने आया है और प्रशासन में यहां पर हड़कंप मच गया है। मुरादाबाद में भूख से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। 34 साल की अमीर जहां की भूख से मौत का मामला सामने आया है और इस मामले के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच की बात भी कही जा रही है। बरेली के बाद अब मुरादाबाद में भूख से मौत का मामला सामने आया। चौंतीस साल की अमीर जहां की भूख से मौत हुई है और अब इस पूरे मामले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी का दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन यहां पर नजर आया है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आया पड़ोसियों के रहमो करम पर अमीर जहां जिसकी मौत हुई है वो रह रही थी और इसको लेकर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर। बताया जा रहा है कि खाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं था, अनाज का एक दाना नहीं था और अनाज के लिए मोहताज हो गई थी। बरेली के बाद मुरादाबाद से भूख से मौत का मामला सामने आया। मुरादाबाद शहर के थाना मझोला के जयंतीपुर का मामला है। परिवार का मुखिया पुणे में मजदूरी करता और 3 महीने से मकान का किराया भी नहीं दे सके और देश में जहां गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर भूख और गरीबी से मुरादाबाद शहर के थाना मझोला के जयंतीपुर में किराए के मकान में रह रहे एक परिवार की महिला की भूख और गरीबी से अमीर जहां नाम की महिला की मौत ने सिस्टम पर सवाल अब खड़े कर दिए हैं और हाल के दिनों में बरेली के बाद मुरादाबाद में भूख से हुई मौत का ये दूसरा मामला है और पड़ोसियों के रहमो करम पर गुजर बसर चल रहा था अमीर जहां का। अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ वो रह रही थी और महिला की 3 छोटी बेटियों ने बताया कि उनकी माँ 3 दिन से भूखी थी और भूख के कारण उसने गुरुवार शाम को दम तोड़ दिया। महिला का पति पुणे में मजदूरी करता और 2.5 महीने से वो घर पर नहीं आया था जिसकी वजह से घर में कुछ भी नहीं था। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है और कोई भी मौत का कारण भूख मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन इस मौत को बीमारी के कारण हुई मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, अगर महिला की भूख से मौत हुई है तो जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये गरीब की हालत में है, कमाने वाला बाहर चला गया था, कोई मजदूर आदमी था और फिलहाल इनका देखने वाला कोई नहीं था। ससुराल वाले भी गरीब थे, 8 पड़ोसी मदद ही करते थे। अच्छा, कितने दिन से बीमार थी और क्या रही जो 10-15 दिन तबियत खराब रही, 10-15 दिन के अंदर ही चटपट हो गई। पूरी रात ऐसे बैठे थे, नींद ना करती, पूरी रात बेचैन हो करती, ना खाना था घर पे, भूख लग रहा था, फिर शाम वाले दे देते थे रोटी, हमें सब फो सास फूल लग रहा था, पूरा नींद ना करती, फिर नीलन जाता ठंड के खाती फिर वहाँ पड़ गई, जब ठंड लग कर देता हमें फो सास फूल लग रहा था। आपके माध्यम से जानकारी मीडिया के मिली है, इसका परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत कष्ट का विषय है और अगर ये घटना सही है तो हम सबके लिए बहुत दुखद है और जानकारी करके इसमें कार्रवाई आगे करेंगे।